पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल की दादा जान दे गए गैसन, सारा कुछ उनकी उनकी खैरात पे पल रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। खबर आज चल रही थी वो थी बांग्लादेश और इंडिया को लेकर कि जो डीजल पाइपलाइन है उसको जो है वो रोक दिया गया है। बिजली नहीं है, जब बिजली फुफा जान ना ले आंदी सी। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है ठीक है जी कि हमने क्या करना है। तुम्हारी पर एकड़ यील्ड बढ़ाने वाले मसाले बीज वो भी उन्होंने दिए। जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि उनकी जो मशीनरी है जो कि काम होता है वो ज्यादातर डीजल से ही होता है, तो क्या ये गवर्नमेंट चेंज होने के नतीजे में है? देखिए ना कैसे अंदर गया हुआ है बांग्लादेश, अंदर है एक्चुअली भारत के, ठीक है ना, वो अंदर पूरा मुल्क अंदर है अगर आप इसको नक्शे पे देखें ना। बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था, अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। जो मोदी सरकार से गुजारी जीते कि हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट मींस कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दी है और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? इस क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन जो है, तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों दोस्तों जैसा कि हमने देखा है कि बांग्लादेश की सिचुएशन जब से ख़राब हुई है, जब से वहाँ से शेख हसीना जी को गवर्नमेंट से बाहर निकाला गया है, उसके बाद से बांग्लादेश और इंडिया के जो टाइज हैं वो थोड़ी लो लेवल पर जा रही हैं और बांग्लादेश जो है वो अपनी ऑफकोर्स जो घटिया नीति है उनकी या जो भी उनके फालतू बोलने वाले लोग हैं वो सत्ता पर काबिज हो गए हैं, तो थोड़ा इंडिया से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं, इंडिया सोच रहे हैं कि इंडिया की ज़्यादा ज़रूरत है उनकी, उनको नहीं है इंडिया की ज़रूरत दोस्तों। तो इसी कड़ी में दोस्तों उन्होंने इंडिया को भला बुरा भी कहा और इंडिया हिंदुओं को नुकसान भी पहुँचाया, सब चीज़ें किया, तो अब इंडिया भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा अब उनको रिप्लाई देना शुरू कर चुका है। तो दोस्तों इंडिया ने क्या किया कि उनकी डीजल की सप्लाई पाइपलाइन जो एक्सपेंशन थी वो बंद कर दिया, बोला कि भाई आपकी सिचुएशन स्टेबल नहीं है। जब ये पाकिस्तान को पता चला तो पाकिस्तानी मीडिया जो है अपना रिएक्शन दे रहा है इस पर, आइए देखते हैं। चल रही थी वो थी बांग्लादेश और इंडिया को लेकर कि जो डीजल पाइपलाइन है उसको जो है वो रोक दिया गया है, क्या कहेंगे सर अब ये क्या हो रहा है? और जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि उनकी जो मशीनरी है जो कि काम होता है वो ज्यादातर डीजल से ही होता है, तो क्या ये गवर्नमेंट चेंज होने के नतीजे में है या कोई और रीजन लग रहा है? देखिए बहुत सारी रीजन हो सकती है, एज ए जर्नलिस्ट जो हमें अपेरेंट नजर आता है वो ये है कि बांग्लादेश में ये जो सरकारी तब्दीलियां हुई हैं, जो वहां पे प्रोटेस्ट हुए और जिस तरह इंडिया के खिलाफ एक वहां पे कैंपेन चली और जिस तरह बांग्लादेश में इस्लामिस्ट का कमबैक हो रहा है, वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। और जब आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और माइंडसेट इतना खराब होगा, तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया, अतः कि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था, अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है, आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मोइजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही आप मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मोइजू जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े, भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा, अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड
टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर। तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे एक लोक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुड़ी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहां से निकलता है एक ऑयल डिपो से और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। सो एक तरफ हमने देखा कि अभी अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर, ठीक है जी। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके खराब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। और पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब की मुलाकात, फोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी? उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हुई थी कि इंडिया ने कहा कि हमने बांग्लादेश के हवाले से बात की, जबकि जो अमेरिकन रीड आउट आया था उसमें ये बात नहीं थी कि बांग्लादेश के हवाले से बात हुई, ठीक है जी। इट मींस कि जो इंडिया के कंसर्न थे वो उन्होंने डिस्कस किए, और जो उनके कंसर्न थे वो करना चाहते थे, वो इंडिया की मदद चाहते थे यूक्रेन में, हमारी हेल्प करो नरेंद्र मोदी की। और मैंने वो कहा था कि अगर तो दोवल साहब और जयशंकर साहब की मूवमेंट शुरू हो गई यूक्रेन रशिया में, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, इट मींस कि टॉक्स होंगी। और अगर इंडियंस ये समझते हैं कि हमें ट्रैप किया जाएगा, देखें याद रखें, समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग बट इन फैक्ट द पार्टीज डोंट वांट दैट टू हैपन फ्रॉम यू, ठीक है जी। आपको ममालिक चाहते नहीं है कि आप वो करें, लेकिन आपको ये कहा जाता है कि आप ये करें, उससे मतलब क्या होता है? उससे मतलब ये होता है आपको थोड़ा गंदा करना। सो इंडियंस इस चीज को समझते हैं कि हमें शायद गंदा किया जा सकता है, कि अमेरिकन हम पे कैसे ट्रस्ट करेंगे कि यूक्रेन के और रशिया के मामला ठीक रहो। हाँ, और तुम्हारी क्या अप्रोच है, और क्या तुम एज ए न्यूट्रल नेगोशिएटर कर भी सकते हो कि नहीं कर, सो मेनी क्वेश्चंस। सो बट एनी हाउ, अब ये जो उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टेबलाइज हो गई है, सो इट मींस कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है, कहां से आते हैं ऐसे लोग, ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं है, किसी और गोले से आए हैं, कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।